आज हम एक ऐसी विभूति से आपको रूबरू करा रहे हैं हमारे स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम में, जो कॉलेज शिक्षा में रहते हुए भी एक साहित्यकार के रूप में भी समाज के सामने आए और साहित्य सृजन किया। वर्तमान में सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा कोटा में कार्यरत हैं प्रोफेसर गीताराम शर्मा जी। गीताराम शर्मा जी से हम इनके जीवन परिचय और इनकी जो साहित्यिक यात्रा, साथ ही कॉलेज शिक्षा में ये किन किन पदों पर रहते हुए इस मुकाम तक पहुँचे, इसके बारे में इनसे हम बखूबी जानेंगे। इस हफ्ते के स्पेशल गेस्ट से बात कर रहे हैं डॉक्टर गीताराम शर्मा जी से। प्रोफेसर गीताराम शर्मा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, शिक्षा दीक्षा साथ ही किन किन पदों पर रहते हुए आप इस मुकाम तक पहुँचे। गौतम जी, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में जी आगरा जिले में एक गांव है हिरोड़ा जी, वहाँ हुआ। प्राथमिक और माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक जी, जी। तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इंटर कॉलेज कहते हैं जी, वहाँ तक की शिक्षा तो होम जिले में हुई। फिर मैं स्नातक, जिसको संस्कृत माध्यम से मैंने किया, शास्त्री जी, बीए के समकक्ष है, और एमए जी वृंदावन में रह करके की जी। एमए करने के बाद शिक्षा शास्त्री की दिल्ली से, इसके बाद राजस्थान में चयन हुआ संस्कृत शिक्षा विभाग में जी। तो पहला चयन तो जयपुर जिले में एक बहुत छोटे से गांव में हुआ, प्राथमिक स्कूल में जी जी, और यूँ कहें वो स्कूल का संस्थापक मैं ही था। बहुत अच्छा, गांव बिल्कुल नॉन मैट्रिक गांव था जी जी, एक तरह से मामूली सा साक्षर जी। तो वहाँ मैं 4 साल रहा, बड़ा लोकप्रिय शिक्षक के रूप में रहा जी। और फिर 1996 में जी मेरा उच्च प्राथमिक विद्यालय में संस्कृत विभाग में ही जी और पदोन्नति हो गई। तो बाड़मेर और जालौर, इन दो जिलों में, जालौर में एक सिवाड़ा चौहान गांव है अभी, वो वहाँ भी मैं संस्थापक रहा जी। अभी वो जो स्कूल मैंने स्थापित किया वो अभी कॉलेज हो गया। अच्छा, कॉलेज है जी जी। और फिर मजल में एक बालिकाओं के का उच्च प्राथमिक स्कूल था, उसमें रहा, जो अभी सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल है। 1999 में मैं RPSC से उच्च शिक्षा विभाग में मेरा चयन हुआ, और झालावाड़ में मैंने सबसे पहले संस्कृत व्याख्याता के रूप में दायित्व ग्रहण किया जी। 2014 तक वहाँ रहा, 14 से 14 में यहाँ आया कोटा में जी। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, और अभी फरवरी से, इसी साल फरवरी से जी मैं सहायक निदेशक कोटा परिक्षेत्र के दायित्व को देख रहा हूँ जी। प्रोफेसर गीताराम शर्मा जी, आप सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा हैं, तो इस आपका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है और किस तरह का काम आपके विभाग से किया जाता है? प्रशासकीय दृष्टि से 4 जिले जी, कोटा संभाग मुख्यालय, फिर बूंदी जी, इधर झालावाड़ और बारा जी, ये 4 जो प्रशासकीय जिले में, इनमें जो उच्च शिक्षा के केंद्र वाले महाविद्यालय हैं जी, अभी जिनकी संख्या 45 है जी, 3 अभी नए घोषित हुए हैं, तो वो 3 और प्रारंभ हो जाएंगे, तो 48 महाविद्यालय। उन महाविद्यालयों में समग्र शिक्षा जी, समग्र शिक्षा से अभिप्राय मेरा ये है कि यहाँ पर जिला मुख्यालय पर उच्च शिक्षा विभाग में कोई और अधिकारी नहीं होता जी जी, वो सहायक निदेशक का ही दायित्व है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं जी या उनके समाधान हैं जी, उनका समन्वय शिक्षा का जो मुख्यालय है जयपुर है वहाँ से करके जी, मुख्यालय से जारी आदेशों निर्देशों की पालना कराना जी, इनकी समस्याओं को संप्रेषित करना, स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन से समन्वय करके उच्च शिक्षा के लिए जो लक्ष्य तय किए सरकार के द्वारा जी जी, उनकी पालना कराना
ये जो मेरा प्रशासकीय दायित्व है जी, यो मैं शिक्षक संगठन की दृष्टि से भी मैंने एक पर्चे आपको नहीं दिया था जी जी, एक अपना शिक्षक संगठन अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ जी, जो पूरे भारतवर्ष में जी प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक काम करता है, तो उसकी उच्च शिक्षा जो शाखा है उसके मैं प्रांत का सह संगठन मंत्री भी हूँ जी जी, तो उस दृष्टि से सामाजिक और शैक्षिक और अकादमिक सभी काम मुझे करने होते हैं और मैं बड़ी प्रसन्नता से उनको मैं अपना अहोभाग्य मानता हूँ उनको करते हुए जी जी। प्रोफेसर गीताराम शर्मा जी, आप ऐसे शिक्षक रहे हैं या मतलब इस शिक्षा से ऐसे जुड़े हुए हैं कि एक छोटे से प्राथमिक विद्यालय से सफ़र करते करते आप कॉलेज सहायक निदेशक पद तक पहुँचे, तो प्रशासनिक अनुभव तो आपका बहुत ही अच्छा होगा। सर मैं जानना चाहता हूँ कि कॉलेज शिक्षा, ये जो कॉलेज का आप निरीक्षण करते होंगे, तो इसमें किस किस तरह की समस्याएं वैसे देखने को मिलती है सर? वस्तुतः अभी पिछले सत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी हुई जी जी, और वो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है सचमुच यदि उसकी क्रियान्विति हो जाए, जिसके लिए सरकार बहुत गंभीरता से प्रयत्नरत है, प्रयासरत है, तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हमारे महाविद्यालय चले, क्योंकि पिछले दिनों से उच्च शिक्षा के विषय में कुछ शिथिलता देखी जा रही थी जी जी, तो सरकार इस विषय में बहुत गंभीर है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो स्वरूप है जी तदनुसार महाविद्यालय चले, भारत केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था हुआ हो जी, तो वहाँ मुझे जो सहायक निदेशक के रूप में जो निरीक्षण करना होता है जी जी, वो तीन तरह का है। एक तो महाविद्यालयों की भौतिक संरचना जी, वहाँ जैसे भवन अपना है कि नहीं जी, भवन यदि है तो पर्याप्त है कि नहीं है जी, उसमें भवन में पुस्तकालय आदि की बेहतर सुविधा है क्या, उसकी अपनी बाउंड्री बार है, भवन में भौतिक संसाधन कहते हैं जी, पेयजल है, सोलर एनर्जी है, तमाम सारे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू है कि नहीं, तो चित्र पर्याप्त फर्नीचर है कि नहीं जी, तो सारे भौतिक संरचना। दूसरा अकादमिक, अकादमिक में दो तरह के हो गए, शैक्षिक और शैक्षणिक, अशैक्षणिक, शिक्षणेतर जिसको कहते हैं जी जी, तो शैक्षणिक में वहाँ कक्षाएँ नियमित चलें इसके सुनिश्चित करना जी जी। अब की बार हमारे आयुक्त महोदय ने दिशा निर्देश किए कि हर स्थिति में 1 जुलाई से कक्षाएं संचालित होनी चाहिए जी, और ये वर्षों के बाद पहली बार हुआ कि 1 जुलाई को कक्षाएं लगी, वाह ये वर्षों के बाद हुआ। इसके लिए हमने बाकायदा ग्रुप बना रखे हैं जी, स्प्रेडशीट जारी कर रखी है, हर महाविद्यालय को ये निर्देश दिए गए हैं कि हर शनिवार को संकलित करके और प्रतिदिन कितनी कक्षाएँ ली, कितने विद्यार्थी आए, किस शिक्षक ने उसको पढ़ाया, ये एक स्प्रेडशीट में वो भरेंगे जी जी। तो कुल मिलाकर शिक्षक कक्षाएँ चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं जी जी, फिर उसमें पुस्तकालय कैसा है, पुस्तकालय ऑटोनोमस हुआ है कि नहीं हुआ है, पुस्तकालय में पर्याप्त पत्र पत्रिकाएँ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं जी। तीसरा है शिक्षणोत्तर में NSS की स्थिति क्या है, NCC कैसी है, रोवर स्काउट क्या है जी, कैंपस में पेड़ कितने हैं, अच्छा कैंपस के विद्यार्थी, हाँ पेड़ों पर इस बार विशेष फोकस रहा कि अगर पर्याप्त पेड़ हैं तो भी अगर कहीं भी पेड़ों की कहीं कमी है तो हमने टारगेट तय किया है हमारे विभाग ने जी जी, जितने विद्यार्थी संस्थान में जी उतने वृक्ष लगाए जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब ये है कि कोई संस्थान कहता है कि साहब हमारे यहाँ तो जगह ही नहीं है, तो विभाग ने कहा कि ठीक है हमारी ये जिद नहीं है कि आप पेड़ संस्थान में लगाओ जी जी, आप पेड़ अपने घर लगाइए, बहुत बढ़िया, फोटो शेयर करके और हमको भेजिए जी। तो इस तरह का जो फिर वहाँ की फंडिंग स्थिति क्या है, आपको भी बताऊँ कि बहुत सारे महाविद्यालयों के पास जी जो पुराने महाविद्यालय खूब धन है, पर्याप्त पैसा है जी जी, अब वो खर्च नहीं हो रहा। बिल्कुल सही। एक तरह महाविद्यालय भटक रहे हैं संसाधनों के लिए और वो धन खटक नहीं, तो आयुक्तालय ने ये कहा है कि सर्वतोमुखी निरीक्षण करके और एक रिपोर्ट सामने आई है जी जी, फिर जो कमियाँ हैं उनको दूर किया जाएगा। बिल्कुल। तो भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का को जो स्वीकार किया है उसके अनुसार राज्य सरकार ने भी इसको स्वीकार किया है, और राज्य सरकार कहती है कि हमारी शिक्षा भारत
केंद्र तो हो जी। हमारी शिक्षा में शिक्षा का जो मूल उद्देश्य जी नैतिक नैतिक चरित्र का निर्माण बिल्कुल वो हो, बालकों में बच्चों में विद्यार्थियों में आत्मनिर्भर की प्रवृत्ति जी, वो केवल सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागे बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार इन तमाम सारी संभावनाओं को तलाशना ये हम निरीक्षण में देखते हैं जी। प्रोफेसर गीताराम जी, जो सरकार की तरफ से कई नवाचार के लिए आपके पास निर्देश आते हैं, जैसे कोई जयंती मनाई जाती हो, पेड़ लगाए जाते हो, या और भी कई तरह की रचनात्मक कार्य पे भी फोकस रहता है निदेशालय का, तो क्या निर्देश आप कॉलेज जो उनको देते हैं? देखिए, कुछ निर्देश तो वर्ष भर के लिए होते हैं जी, कॉलेज शिक्षा में कुछ तो वर्ष भर के लिए निर्देश होते हैं। अपने यहाँ एक अकादमिक कैलेंडर जारी होता है जी, एक तो होता है प्रशासकीय कैलेंडर जी जी, जिसके अनुसार संस्थान खुलते हैं, छुट्टी इत्यादि की उसमें व्यवस्था होती है जी। एक अकादमिक कैलेंडर होता है जिसमें संस्थान में गतिविधि क्या होगी वर्ष भर जी जी, तो वो कैलेंडर हम जुलाई को हमारे यहाँ जारी होता है, पूरे प्रदेश में समरूप होता है जी। उसके अनुसार कुछ कार्यक्रम तय होते हैं जी, उसमें विभिन्न महापुरुषों की जयंतियाँ हैं, सांस्कृतिक उत्सव हैं, महापुरुषों के द्वारा अगर कोई अभियान चलाए गए तो उनके संदर्भ को लेकर के कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कुछ कार्यक्रम देश काल परिस्थिति के अनुसार तय होते हैं जी जी, जैसे इस वर्ष दो कार्यक्रम, विशेषकर तीन कार्यक्रम, तो ये तीन कार्यक्रम बहुत बड़े उद्देश्य के लिए किए गए। अच्छा, पहला तो है वृक्षारोपण का जी जी, ये केवल वर्षा में नहीं, हमारे विभाग ने ये कहा कि आप वर्ष भर जब भी होगा जी आप पेड़ लगाएंगे। बिल्कुल, वर्ष भर पेड़ लगाएंगे और संस्थानों में इतने पेड़ हों कि संस्थान प्राचीन गुरुकुलों की भांति ऐसे लगे कि हाँ ये भारतीय शिक्षा संस्थान जी। दूसरा भी एक अभियान चलाया है, नशा मुक्त भारत। बहुत नशा मुक्त भारत जी, तो उसमें ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक महाविद्यालय में प्रत्येक शनिवार को जी जितने भी विद्यार्थी हैं और उसमें शिक्षकगण हैं वो सब मिलकर के शपथ लेंगे। बार बार शपथ लेने से बार बार जो है ना जी जी उसमें नशा मुक्ति की शपथ लेंगे, एक शपथ का प्रारूप दिया हुआ है। और कल उसके लिए 12 अगस्त को विशेष आयोजन है जी। पूरे प्रदेश में 9 बजे पूरे प्रदेश में जी 9 बजे टाइम भी तय किया हुआ है, सभी महाविद्यालयों में सभी कार्मिक और सभी विद्यार्थी जितने उपस्थित होंगे सामूहिक शपथ ग्रहण करेंगे जी जी। तो ये कार्यक्रम वर्ष भर चलेगा, बहुत बढ़िया, जिसमें नशा मुक्ति का। और तीसरा एक बड़ा, देखिए अभी तक ये बिल्कुल नया काम है शिक्षा के लिए जी जी, हमारी सरकार ने या हमारे आयुक्तालय ने कहा कि हम मनुष्य हैं जी, और मनुष्य होने के नाते मनुष्यतर जो प्राणी हैं जी, जो स्वयं बहुत ही निर्बल हैं, इनके पास अपनी सामर्थ्य नहीं है, मनुष्यतर मतलब पशु पक्षी जीव जी, 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 उनके लिए हम कुछ करें। तो हमारे आयुक्तालय से एक आदेश आया कि हम परिंदे बांधेंगे। अब ये लगता है ऐसा है कि यार शिक्षा मंदिर में आई इन परिंदों का क्या काम जी, लेकिन इसका उद्देश्य व्यापक है, मानवेतर मनुष्य कर्तव्य मानवेतर प्राणियों के लिए करें। तो परिंदे बांधना, उनके लिए जल आदि की व्यवस्था करना, उनके लिए दाने की व्यवस्था, ये भी वर्ष में चलेगा जी। तो ये कुछ प्रकल्प हैं, इसके अतिरिक्त संगोष्ठियाँ जी इत्यादि, तो ये पूरे वर्ष भर माना चलती रहती जी जी। प्रोफेसर गीताराम शर्मा जी, आपने एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया कॉलेज में, लेकिन उसमें थीम आपने अलग अलग दी, वो बहुत अच्छी थीम थी। क्या थीम थी सर वो? जैसे आपने विद्यार्थियों के हिसाब से भी पेड़ लगाने का संकल्प लिया। दरअसल पेड़ों के विषय में जो भारतीय दृष्टि है जी, वो केवल पेड़ तक सीमित नहीं है जी। भारतीय समाज में जो पेड़ है ना जी, वो दो दृष्टि से पूजा जाता है। बिल्कुल, एक तो लौकिक दृष्टि से वो हमारी सभी जीवन की सभी अपेक्षाओं को पूरा करता है। बिल्कुल बिल्कुल, प्राणवायु से लेकर के, प्राणवायु से ज्यादा तो कुछ जरूर होता नहीं। बिल्कुल, तो प्राणवायु से लेकर के और जीवन में भौतिक जीवन को चलाने के लिए छोटी से छोटी वस्तु जी का प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध पेड़ों से है
सच है। दूसरा यही कारण है कि ये पेड़ों के प्रति भारतीय समाज में एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी रहा जी। मैं कहता रहता हूँ और मैं क्या कहता रहता हूँ, ये भारतीय शास्त्र कहते हैं जी, पेड़ों से बड़ा कोई देवता नहीं। सच है, क्योंकि देवता का सीधा जो देता है वो देवता। बिल्कुल बिल्कुल। और देना मतलब जो बिना कुछ चाहे दे। हाँ, तो संसार में बाकी सब लोग हैं ना, कुछ न कुछ कम से कम ये तो चाहते हैं कि मेरी कृतज्ञता, मेरा आभार व्यक्त करें। जी, पेड़ जी। तो ये भी नहीं चाहते पेड़ तो ये भी नहीं चाहते जी जी। तो बिल्कुल निष्काम होकर के जो समाज को जीवन देते हैं वो पेड़ है। इसलिए मैंने कहा कि भाई पेड़ों से बड़ा दूसरा, ये हमारे पुरखे हैं। बिल्कुल। पुरखे हमारे पूर्वज हैं जी, क्योंकि जीवन का प्रारंभ पेड़ों से हुआ। बिल्कुल। इसलिए भगवान एक हम जब साहित्य में पढ़ाते हैं ना जी, तो कालिदास ने अष्टमूर्ति शिव की संकल्पना की जी। अभी वर्षा ऋतु चल रही है, शिव का ये पर्व है जी। तो अष्टमूर्ति शिव में क्या है, क्योंकि पांचों प्रकृति के जो तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि जी, अब इन पांचों का संबंध पेड़ों से है। बिल्कुल सही। ये पांचों तत्व बिना पेड़ों के अधूरे हैं, पल्लवित पोषित नहीं हो सकते। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा की जो ऊर्जा है वो जी, और कर्मनिष्ठ कोई भी प्राणी ऐसे अष्टमूर्ति शिव में, तो हम पेड़ों के रूप में साक्षात शिव देखते हैं। मैं कहा करता हूँ अपने मित्रों से जी, कि आप एक पेड़ की सेवा कर लीजिए, ये साक्षात शिव की ही सेवा है। बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा विचार प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब, मेरी जानकारी में है कि आप एक साहित्य सृजन भी करते हैं और साहित्य की सेवा भी आपने की है, कब से जुनून रहा आपका साहित्य के क्षेत्र में? गौतम जी, साहित्य दरअसल एक सहज प्रक्रिया होती है जी, हर व्यक्ति साहित्यकार हो सकता है। बिल्कुल। साहित्य सृजित होता नहीं है। बिल्कुल। वो स्वतः स्फूर्त होता है। इसलिए जी साहित्य समाज में ये मान्यता है कि साहित्यकार पैदा नहीं होता, वो साहित्यकार बनता नहीं है, पैदा होता है। बिल्कुल, साहित्यकार पैदा होता है। अब साहित्य है क्या, हृदय की जो मुक्त अवस्था है, समाज की करुणा है, समाज के प्रति जो संवेदना है जी, समाज के प्रति सहानुभूति है, उस सहानुभूति के साथ जब तादात्म्य होता है जी, और वो तादात्म्य जब शब्दों का आकार लेता है तो हम उसको साहित्य कहते हैं। बिल्कुल। तो ये जो भावना है, मैं हमेशा से चूंकि साहित्य का विद्यार्थी रहा जी जी, जब महाविद्यालय में पढ़ता था, वस्तुतः जब मैं कक्षा छः में पढ़ता था तब मेरे एक गुरुजी थे पंडित गौरीशंकर शर्मा जी, उस समय मुझे छठवीं में हम संस्कृत पढ़ाया करते थे, संस्कृत हिंदी, और बहुत प्यारा गाते थे कविताओं को। अच्छा। तो उनसे प्रेरित होकर के और तब से साइंस का विद्यार्थी था ट्वेल्थ तक जी, बावजूद इसके जी उधर बोले, और वही कारण था कि मैंने 12वीं के बाद साइंस छोड़ दी जी, और साहित्य कविता तो मैंने पहली कविता तो शास्त्री प्रथम वर्ष में लिखी थी जी, स्नातक प्रथम वर्ष में, वस्तुतः वो पहली कविता थी, लेकिन वो डायरी मेरी कहीं हो गई जी। और वो मैं जब अज्ञान शाकुंतला में एक नाटक है जी, वहाँ जब मैं वो नाटक पढ़ता था तो एक कविता लिखी शकुंतला के प्रति जी जी, अब वो कविता अभी मेरे पास नहीं है सुनाने को, उसके बाद की कविता तो खूब है जी, एक डायरी मेरी कहीं किसी उसमें हो गई, खो गई जी। तो कुल मिलाकर के ये 1985 में मैंने अपनी साहित्य सृजन की शुरुआत की जी। प्रोफेसर गीताराम शर्मा जी, आप हाड़ौती क्षेत्र में रहे और झालावाड़ में भी आपने सेवाएं दी। झालावाड़ एक साहित्यकारों का महाकुंभ माना जा सकता है, आपको कई साहित्यकार मिले उस समय, तो उन साहित्यकारों से आपको सीखने को कुछ मिला सर? गौतम जी, बहुत सीखने को मिला, बल्कि ये कहिए कि साहित्यकारों से सीखने का असली अवसर झालावाड़ में ही मिला जी। पहले जब मैं साहित्य को पढ़ाता था तो विद्यार्थी के रूप में पढ़ा जी और शिक्षक के रूप में पढ़ाया जी। बिल्कुल। साहित्य को समाज के साथ कैसे जिया जा सकता है ये झालावाड़ से सीखा। मैं झालावाड़ की भूमि को प्रणाम करता हूँ जी जी, परम सम्मानी आज इस पार्थिव धरती पर नहीं है जी जी, लेकिन भाव रूप में हमारे साथ सदा हैं आदरणीय रघुराज सिंह जी हाड़ा साहब जी, मैं उनको ऋषि मानता हूँ। बिल्कुल सही। ऋषि कल्प थे, अद्भुत साहित्य था उनका,
फिर मैंने मुझे सानिध्य मिला पंडित गदाधर जी भट्ट का, संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष भी रहे लेकिन संस्कृत के प्रकांड पंडित थे बिल्कुल, और वो कमला सबनम जी जी बहुत अच्छी गीतकार, मधुर गीतकार, फिर पाथे जी, तो इन सब से ये सीखा जी। तुलसी ने कहा है कि भू जो कविता होती है ना, कीरति भनित भूति भल सोई, सूर्य सर सम सब कौ हित हुई। साहित्य की मूल भावना है संवेदना, लोक चिंता लोक चिंतन जी। अतः जिसमें लोक चिंता लोक चिंतन नहीं हो वो साहित्य नहीं, बिल्कुल सत्य। तो केवल शब्द शब्दार्थ का एक समन्वय भर हो सकता है जी, तो कमल नहीं हो सकती है। साहित्य सरल होगा, साहित्य कठिन होगा, साहित्य ग्राही होगा, साहित्य संप्रेषण होगा, इसका मूल्य तभी है जब उसमें लोक की चिंता हो और लोक का चिंतन हो जी। तो ये मैंने झालावाड़ से बहुत सीखा जी। प्रोफेसर गीताराम शर्मा जी, आपके द्वारा रचित कोई जो कविता हो दर्शकों को सुनाए, आप इतने विद्वान जन हो। धन्यवाद। मैं एक गीत सुनाना चाह रहा हूँ। जी 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 सुनाए। ये दीप मेरे पल पल जल, दीप है व्यक्तित्व है, भगवान बुद्ध ने कहा अप दीपो भाव, स्वयं को दीपक बनाओ, स्वयं को दीपक बनाए बिना आप समाज को कुछ दे नहीं सकते। सच है, बिल्कुल सही। ये जो दीप है ना, ये मेरा, मैं, ये अपना व्यक्तित्व, ये व्यक्ति मात्र का दीप हो सकता है। ये जो दीप है ना, ये मेरा दीपक नहीं, मैं उसका प्रतिनिधित्व करता हूँ जी जी। तो मैं सुनाइए, सुना रहा हूँ। दीप मेरे पल पल जल, दीप मेरे पल पल जल, रह अकंपित और अटल, दीप मेरे पल पल जल, वे परवार झंझाओं से चाहे हो सारे जग की, क्या बात है। वे परवार झंझाओं से चाहे हो सारे जग की, आलोक सिंधु से अमृत घट भर, राग सीच भट के मग की, क्या बात, क्या बात। आलोक सिंधु से अमृत घट भर, राग सीच भट के मग की। और दीपक का उद्देश्य क्या हो जी? जीवन पथ पर हार रहे जो, जीवन पथ, जीवन पथ पर हार रहे जो, उनकी श्रांति हरो बन बल, दीप मेरे पल पल जल, दीप मेरे पल पल जल, ये सुगंध के सच्चे वाहको, सद्गुणों की सुगंध, बिल्कुल, ये सुगंध के सच्चे वाहक, जन आँखों में आशा जल, अंधकार के व्यूह तोड़ कर, अंधकार के व्यूह तोड़ कर, जन मन गण का बन संबल, दीप मेरे पल पल जल। और दीपक को कैसे जलना चाहिए जी, जी। दीपक की क्या गतिविधि हो, कैसे उसकी योजना होती जलने की जी, जी। कि हिमगिर के उत्तम शिखर से उतरा गंगा जल पावन, क्या ही बात था गंगा के रूप में, क्या उपमा, गंगा हिमालय का ही अवतरण है बिल्कुल जमीन पर। हिमगिर के उत्तम शिखर से उतरा गंगा जल पावन, वैसा ही आलोक तुम्हारा गोपाल कृष्ण का वृंदावन, वैसे ही आलोक तुम्हारा गोपाल कृष्ण का वृंदावन, दीप मेरे पल पल जल, रे अकंपित और अटल। और इस दीपक को केवल घर में ही नहीं जलना है जी जी,
अपने आप की उन्नति नहीं करनी है, पूरे संसार की चिंता करनी है। तू खेतों की हरियाली में जल, मजदूरों की थाली में जल, हर गरीब की कुटिया में जल, राख बनाती बिटिया में जल, राख बनाती बिटिया में जल, दीप मेरे पल पल जल। और ऐसा दीप यदि व्यक्तित्व को बनाना है तो सीखनी होगी हमको अपनी संस्कृति के महापुरुषों से। एक दीप है हमारे यहाँ श्री रामचंद्र का व्यक्तित्व। लिप्साओं के कनक महल जब रामचंद्र ने छोड़ दिए, लिप्साओं के कनक महल जब रामचंद्र ने छोड़ दिए, वनवासी वन 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 भटके टूटे दिल सब जोड़ दिए, वनवासी वन वन भटके टूटे दिल सब जोड़ दिए, वैसी समता ममता से जब, वैसी समता ममता से जब, दीप दिलों में दमकेगा, सुंदर श्रेयमयी किरणों से कोना कोना चमकेगा, दीप तू मस्जिद की मीनारों में जल, देवों के दरबारों में जल, तू मस्जिद की मीनारों में जल, देवों के दरबारों में जल, चर्च और गुरुद्वारों में जल, आम खास का भेद तोड़ जल, दीप मेरे पल पल जल, दीप मेरे पल पल जल, रे अकंपित और ही अटल। बहुत सुंदर गीत प्रोफेसर साहब। वास्तव में आपने जो दीपक का महत्व समझाया समाज को, वह बहुत ही बेहतरीन है। आप की व्यस्तता सर, कैसे साहित्य सृजन कर पाते होंगे? आपकी लेखनी अभी भी जारी है सर। गौतम जी, मैं दरअसल मैंने कहा ना कि जब मन का काम होता है ना जी, आपकी अभिरुचि का काम होता है ना, तो अभिरुचि के लिए समय स्वतः निकल आता है जी। कोई भी मनुष्य हो, चाहे कितना ही व्यस्त हो, लेकिन वो जो चाहता है वो कर ही लेता है जी। वो उसके लिए कहीं ना कहीं समय निकल आता है। तो मूलतः ये बाकी जो व्यस्तताएँ हैं वो नौकरी के कारण हैं जी जी। और ये जो साहित्य सृजन की इसको मैं व्यस्तता नहीं कहूँ, जो प्रवृत्ति है, ये अपने कारण है जी। तो प्रोफेसर साहब, आपको देखते हुए यानी कॉलेज शिक्षा में इतनी व्यस्तता आज के इस वर्तमान समय में, उसके बाद भी आपका चेहरा खुश रहता है, ये साहित्य की ही देन मान सकता हूँ मैं जी। जी, साहित्यकार कभी भी साहित्य, भरत मुनि एक अच्छे हमारे साहित्य का नाटककार हुए हैं जी जी, नाट्यशास्त्र के रचयिता जी। उन्होंने कहा कि साहित्य का मूल उद्देश्य ये है, विश्रांति जन्म शांति करणम लोके नाट्य में भविष्यति जी। ये जो जब सब तरफ से आदमी थक जाए, सब तरफ से विवश हो जाए, अवसाद में चला जाए जी, और कहीं कोई सहारा नहीं बनता हो, तब साहित्य सहारा बनता है। इसलिए जो 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 साहित्य के संपर्क में है वो कभी निराश नहीं हो सकता, कभी क्लांत नहीं उगता, कभी श्रांत नहीं हो सकता जी। अपने इतने व्यस्त समय में भी आप काव्य गोष्ठियों में भाग लेते हैं सर, तो कैसा महसूस होता है आपको हाड़ौती क्षेत्र में? हाड़ौती क्षेत्र साहित्य की दृष्टि से बहुत उर्वरा भूमि है जी। मैं छालावाड़ में रहा तो संस्कृत की दृष्टि से भी जी, और मैंने जिनको मैंने नहीं देखा है, कविकर किंकर जी संस्कृत में एक अच्छे रचनाकार हुए हैं, जो संस्कृत के राष्ट्रीय क्षितिज पर उनका नाम है जी, कवि किंकर। दरबार में दरबार का बहुत प्रसन्न को मिला। छालावाड़ में मैं रहा तो मैंने मुझे पता लगा कि यहाँ का तो जो दरबार है, महाराज राजेंद्र सिंह जी जो बहुत अच्छा लिखते थे, अच्छा, और उनकी साहित्य की अभिरुचि का मैं आप जानकारी बता दूं, झालावाड़ में कॉलेज में एक पुस्तकालय है परमानंद पुस्तकालय के नाम से जी जी। आज भी उसमें दुर्लभ 12,000 पुस्तकें स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई हैं, 12,000 पुस्तकें, लेकिन कुछ पुस्तकें स्वर्णाक्षरों लिखी हुई हैं जी जी। और वो उनका दान किया हुआ है महाराज राजेंद्र सिंह जी का, ये बिना साहित्य अभिरुचि के जी समझ। वो स्वयं बहुत अच्छे रचनाकार थे,
उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे रचनाकारों को वहाँ पर प्रस्तर दिया, तो वो भूमि बड़ी उर्वरक है। इसी तरह आप बूंदी को देखेंगे तो सूरमल मिश्रण जी जैसे ओके का जो है जी जी भूमि रही है। कोटा है अपने आप में, आप स्वयं परिचित हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो हाड़ौती है ना, ये सचमुच साहित्य के लिए बहुत ही उर्वरा भूमि है। यहाँ रहने वाले के मन में साहित्य अपने आप स्फुर्त हो जाता है जी जी, अपने आप उद्भूत होता है। प्रोफेसर साहब, जाते जाते एक रचना आप और सुनाए हमारे दर्शकों को। एक रचना मैं अब आपको गद्य विधा में सुनाऊंगा, नई कविता जिसको कहते हैं जी, जी। ये तो सरस्वती जी, ये है कागज पर शास्त्र। मेरा मानना ये है कि शास्त्र हमारे यहाँ बहुत ही कुछ लिखा गया है, हितोपदेश लिखे गए, पुराण लिखे गए, उपनिषद लिखे, जब तक जीवन में नहीं उतरते हैं तब उनको कोई लेने लग रहा नहीं जी जी। शास्त्र जीवन के लिए है, अगर जीवन पर उनका अवतरण नहीं होता है तो फिर वो केवल बिल्कुल से पूरा है। तो मैंने कागज पर शास्त्र बिल्कुल सुना है। कैसे कागज पर शास्त्र, कागज पर लिखा शास्त्र कागज भर का शास्त्र है केवल। वाह क्या बात, कागज पर लिखा शास्त्र कागज भर का शास्त्र है केवल, तब तक जब तक वह जीवन में शास्त्र नहीं बन सके। वाह, जब तक वह जीवन शास्त्र नहीं बन सके, सके साथ चलो साथ बोलो, हमारा वेद कहता है संगत शब्दों संबद्धम सम्भो बना जानता हूँ, साथ चलो साथ बोलो सब जान लो एक दूसरे के मन जैसे मंत्र, शाब्दिक विलास हैं मित्र। तब तक जब तक जिंदगी में व्याप्त नहीं होता इनका ध्वन्यार्थ, जब तक जिंदगी में व्याप्त नहीं होता इनका ध्वन्यार्थ, जीवन का आचार शास्त्र बनकर, जीवन का आचार शास्त्र बनकर। हाँ देवता रमण करते हैं वहाँ जहाँ नारियाँ पूजी जाती हैं, बहुत जब तक नारे पूजनते रमनते तथा देवता बिल्कुल। हाँ देवता रमण करते हैं वहाँ जहाँ नारियाँ पूजी जाती हैं, लेकिन ये कागज की खेती है केवल तब तक, लेकिन ये कागज की खेती है तब तक जब तक नहीं फूटता साक्षात श्रद्धांकुरण हृदय की गीली जमीन पर, हृदय की गीली संवेदनाओं से गीली बिल्कुल, हृदय की गीली जमीन पर और श्वासों के स्पंदन में रम नहीं जाती स्त्री मात्र की मातृ रूपा छवि, स्त्री मात्र की मातृ रूपा छवि, तब तक कागज पर लिखा शास्त्र, तब तक कागज पर लिखा शास्त्र कागज का शास्त्र भरे केवल जी। समाज की संजीवनी बनता है शास्त्र सचमुच, तब समाज की संजीवनी बनता है शास्त्र सचमुच, तब जब चरित्र के उदयाचल से, जब चरित्र के उदयाचल से फूटती है हर रोज शास्त्र की ज्योति किरण। वाह क्या बात, जब चरित्र के उदयाचल से फूटती है शास्त्र की ज्योति किरण, बोझ लादे फिरते हैं भाषा और भाषण भी अकारण ही। वाह, बोझ लादे फिरते हैं भाषा और भाषण भी अकारण ही, बिना चरित्र का हिस्सा बनाए शास्त्र को, बिना चरित्र का हिस्सा बनाए शास्त्र को। दिया दिया रखने से तो दिया नहीं जलता मित्र, बिल्कुल दिया दिया रखने से तो दिया नहीं जलता सके, आओ सच में जलाएं समाज हित में पवित्र दीपक शास्त्र का, चरित्र के शिखर पर चढ़कर, चरित्र के शिखर पर चढ़कर। वाह 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 प्रोफेसर साहब, क्या गद्य में आपने कविता सुनाई, बहुत सारगर्भित और ज्ञानवर्धक। सर ये थे हमारे साथ प्रोफेसर गीताराम शर्मा, सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा। ये ऐसी विभूति हैं जो आयक निदेशक पद तक इन्होंने पद सुशोभित किया है, साथ ही हाड़ौती को इन्होंने अपने साहित्य सृजन का एक क्षेत्र बनाया है। यानी साहित्य सृजन तो इनका छोटी उम्र से ही था, लेकिन हाड़ौती में ये इन्होंने अपना पल्लवित किया अपने आप को, ऐसा ये मानते हैं। आज इस हफ्ते के हमारे स्पेशल गेस्ट थे, अगले हफ्ते हम नए मेहमान से आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत।